feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. So hi girls, welcome back to my channel. So girls, मैं हूँ आपके साथ रितु एंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रोमांटिक सा वैलेंटाइन डे लुक. सो गर्ल्स, ये है मेरा एक रोमांटिक वैलेंटाइन डे लुक. सो गर्ल्स, अगर ये वीडियो आपके लिए रहा है हेल्पफुल और लगे आपको अच्छी तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर. सो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो बट बिना टाइम वेस्ट के. तो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय वीडियो. ले रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइजर और ये एज अ प्राइमर भी हमारे फेस पे काम करेगा और इसको मैं अपने फुल फेस पे अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से ही लगा लूँगी. और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये किस ब्यूटी का कंसीलर और इसमें मुझे कॉन्टोर भी मिलता है. सो ये कंसीलर मैं अपने डार्क सर्कल पे अच्छे से लगा लेती हूँ. और जहाँ भी मेरे को लगता है इसे मैं अपने फॉरहेड एंड मेरे चिन बोन पे भी अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि जितने भी मेरे डार्क स्पॉट हैं वो सब हाइड हो जाए. और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके इनको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. सो इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोन्स बेबी का ये फाउंडेशन है और ये मैंने अभी जस्ट सेकंड बार ट्राई कर रही हूँ अपने फेस पे. एक दो बार ही यूज़ किया है मैंने इसे. फाउंडेशन भी है और साथ साथ इसमें बेबी क्रीम भी है तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है एज द फेस पे एज द फाउंडेशन. इसको मैं डैप डैप करके अपने फेस पर लगा रही हूँ. और अपने नेक पे भी हमेशा फाउंडेशन लगाना चाहिए नॉर्मल सी बात है तो. और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की आपसे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी वही डैप डैप करके ही थोड़ा स्लो साइड्स ले रही हूँ. अभी आप बोल रहे होंगे काफ़ी वाइट आपको लग रहा है सो डोंट वेरी, ये थोड़ा टाइम लेता है ऑब्जॉर्ब होने में. सो आपको फिर बाद में 2-3 मिनट बाद ये सही दिखने लगेगा फेस पे. और अच्छे से अपने नेक पे भी मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ. सो गर्ल्स, इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और ये एडीएस का सुपर बेबी कॉम्पैक्ट पाउडर है और इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लूंगी. इसके बाद मैं यहाँ पर एडीएस का बनाना पाउडर ले रही हूँ और इसे मैं यूज कर रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए और ये काफी अच्छा है. इजी है लगाने में और बहुत ही इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी है.
इसके बाद मैं एडीएस के आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ इन द शेड ब्राउन। इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इनको अच्छे से क्लीजल कर लूँगी। इसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा मेरा जो पाउडर भरना पड़ा उसको रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मिस गोल्ड का शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ और आज मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, मैक का एक ग्लिटर है और ये थोड़ा रेड कलर का है। रेड कलर में यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वैलेंटाइन डे है और बेसिकली रेड कलर रोमांस का माना जाता है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा थोड़ी कम क्वांटिटी ले रही हूँ उसकी और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको लगा ले रही हूँ। सो अच्छे से लग गया है। इसके बाद मैं अपना वही शेड दोबारा से लेकर एक बार और अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने आई शेडो को एक बार और अच्छे सेट कर लिया है। इसके बाद मैं ये ब्लैक कलर लेके अपने अपर लाइन पे लगाऊंगी। पहले डस्ट हटा दिया थोड़ा सा। अब मैं
इन दो शेडो को मिक्स करके इन्हें भी अपने अपर लाइन पे लगाऊंगी ताकि मेरी आईज थोड़ी सी शार्प दिखे। सो आईज मेकअप डन। इसके बाद मैं एमएन का मस्कारा ले रही हूँ यहाँ पर। सो ये कुछ इस तरीके से है, काफी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी। और ये जेल फॉर्म में है और ये वाटरप्रूफ है। इसके बाद मैं एमएन का ही यहाँ पर लाइनर ले रही हूँ। सो लाइनर लग गया गाइस। इसके बाद मैंने ऑफ कैमरा जाके फेक लैशेस लगा ली हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं VLCC का काजल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एज अ कंटूरिंग के लिए सेम आईब्रो पेंसिल से अपनी नोज चीक्स को कंटूर कर रही हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए जस्ट गोल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपनी नोज चीक्स चिन बोन एंड आईब्रोज के नीचे और अब मैं कॉन्टोर को अच्छे से ब्रश की हेल्प से फेस पे लगा लिया है और अपनी नोज को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये हाइलाइटर अपने आईज के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। इससे आंखें बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल लगेंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, मैंने न्यू खरीदा है किस ब्यूटी का। गाइस इसे मैं अपने अच्छे से फुल फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी वीडियो में थोड़ा एरर आ गया है। बट वीडियो स्टार्ट है। गाइस इसके बाद मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया है अपने फेस पे और अब मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक ले रही हूँ ये एडीएस के है इन द शेड रेड। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से इसे अपने अच्छे से लिप्स पे अच्छे से लगा लिया है।
और काफ़ी बहुत अच्छी लगी मेरे को, दिल से बोल रही। और इसके बाद मैं इसकी जेल यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ी सी, सो गर्ल्स इसके बाद में थोड़ा सा एक बार और कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ ताकि कुछ डस्ट हो वो भी रिमूव हो जाए और अच्छा सा क्लीन हो जाए फेस। इसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइस, मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।